फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन, एक ऐसा लेसन चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या रिटेन, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो प्रीपोजिशन एबव और अक्रॉस के बारे में सीखेंगे कि किस कंडीशन में आप वर्ड एबव और अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखें कि अक्रॉस का क्या यूज है, उसके बाद हम एबव के बारे में सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम अक्रॉस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो From one side to the other side of, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक। जैसे There is a bridge across the river। तो friends, इस sentence का meaning हुआ कि नदी के इस छोर से लेकर उस छोर तक एक ब्रिज है, यानी नदी के इस साइड से लेकर उस साइड तक एक ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि अक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ के लिए किया गया। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी को इस छोर से उस छोर तक तैर सकते हो, यानी इस साइड से उस साइड तक तैर सकते हो। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, अक्रॉस का यूज के उस पार के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स जस्ट अक्रॉस द रोड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह ठीक रोड के उस पार रहता है। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर, उसका घर नदी के उस पार है। तो फ्रेंड्स, के उस पार के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अक्रॉस का इस्तेमाल समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, अब एबव का इस्तेमाल देखते हैं। एबव का इस्तेमाल हम के ऊपर के लिए करते हैं। एबव का इस्तेमाल हम के ऊपर के लिए करते हैं, लेकिन सट कर नहीं, यानी कोई चीज ऊपर तो है बट सट कर नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर मैं हथेली पर इस कलम को रख दूं, तो मैं कह सकता हूं कि हथेली के ऊपर कलम है, लेकिन फ्रेंड्स यह सट कर है। तो इस कंडीशन में हम एबव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एबव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो चीज सट कर नहीं हो। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, प्लेन बादल के ऊपर उड़ रही है, यानी वो बादल के ऊपर तो है बट सट कर नहीं है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव माई हेड, चिड़ियाएं मेरे सर के ऊपर उड़ रही हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि वो मेरे सर के ऊपर तो है लेकिन सट कर नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो के ऊपर लेकिन सट कर नहीं, तो आप एबव का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला यूज देखें। एबव का इस्तेमाल हम से परे या से ऊपर के लिए करते हैं, यानी मोर देन। जैसे ही इज एबव सस्पिशन, इसका मीनिंग हुआ वह शंका से परे है, यानी आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं ही इज मोर देन सस्पिशन, यानी वह शंका के ऊपर है या परे है। द एप्लीकेंट्स शुड बी एबव द एज ऑफ 20, जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एबव का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।